हर हर महादेव। देवगण यहाँ। हर हर महादेव। प्रणाम देवेश्वरी। कल्याण मस्त। क्या हुआ देवगणों? आप सब चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। माते, हनुमान के साथ जो घटित हुआ उसी के कारण हम सब चिंतित हैं। माता, हनुमान संकट में है। जिन शक्तियों के द्वारा उसने बड़े बड़े असुरों का संहार किया है वो शक्तियां छिन गई हैं उससे। देवेश्वरी, समस्त असुर हनुमान के शत्रु बन चुके हैं और हनुमान को पुनः शक्तियां प्राप्त होने में अभी बहुत समय शेष। ऐसे में हनुमान उन मायावी आसुरी शक्तियों से स्वयं की रक्षा कैसे कर पाएगा? इसी चिंता के निवारण हेतु हम महादेव की शरण में आए। वायुदेव, आप तो हनुमान के जन्म में सहायक बने। देवी अंजना के गर्भ में आपने महादेव का अंश स्थित किया। इतना करने मात्र से ही आप हनुमान से अत्यधिक प्रेम और लगाव करने लगे। तो विचार कीजिए, हनुमान तो स्वामी के अंश हैं, उन्हें कितना प्रेम होगा हनुमान से? आप इतने चिंतित हो रहे हैं, तो महादेव तो जगत पिता है, वो कितने चिंतित हो रहे होंगे हनुमान के लिए। आप सत्य कह रही हैं महादेवी। त्रिलोकीनाथ महादेव तो वैसे भी समस्त संसार की चिंता रखते हैं, पर हनुमान वो तो उनका अंश है। सत्य है देवराज इंद्र, आप देवगणों के आने से पूर्व ही महादेव हनुमान को इन कठिन परिस्थितियों से उबारने के लिए चले गए। प्रिय शशक, तुम्हारा प्रणाम स्वीकार है मुझे। क्या तुम मेरा एक कार्य करोगे? तुम्हें बस इतना करना है कि किसी भी प्रकार से तुम हनुमान को यहां ले आओ। कहने पर हनुमान ने पूर्व काल के विषय में सोचना बंद कर दिया है, परंतु
मुझे आप दोनों से एक वचन चाहिए कि आप दोनों कभी दुखी नहीं होंगे। आपके मुख को मैं प्रसन्नचित देखना चाहता हूँ। पिताश्री, आप हनुमान को देखकर गर्व से भर उठते थे, किंतु मुझे आपके श्रीमुख पर मलिनता दिखाई दे रही है। क्या हनुमान से कुछ अनुचित हुआ है? नहीं पुत्र, तुमने कोई अनुचित कार्य नहीं किया, बस समय अनुकूल नहीं है। नियति की, ईश्वर के विधान की एक बड़ी क्रीड़ा है ये। भगवान एक द्वार बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। समय कभी एक सा नहीं रहता। समय के बदलते ही, परिस्थितियों के अनुकूल होते ही ईश्वर की असीम कृपा की वर्षा होने लगती है। और फिर इंसान की झोली छोटी पड़ जाती है, ये कठिन परिस्थिति भी बदल जाएगी। ईश्वर की कृपा पुनः होगी पुत्र। शशक माँ, वो देखिए शशक। माँ, ये शशक हनुमान से मित्रता करना चाहता है, क्या मैं इसे अपने साथ रख लूं? मेरे पास आओ मित्र शशक। अरे मित्र शशक, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? रुक जाओ। ओहो, रुक जाओ मित्र शशक, मैं तुम्हें अपने हाथों से हरी हरी कोमल ग्रास खिलाऊंगा। मित्र रुक जाओ। इस शशक ने यहाँ आकर जैसे मेरे हनुमान की शिथिल हुई देह को ऊर्जा से भर दिया। कितना प्रफुल्लित लग रहा है मेरा पुत्र। हाँ प्रिय, बहुत समय के पश्चात हनुमान के मुख पर प्रसन्नता देख रहा हूँ। मेरी बात मान जाओ शशक, मैं तुम्हें बहुत प्रेम से रखूंगा। इधर आओ मेरे पास। हनुमान। अंजना, रुक जाओ अंजना, मत रोको उसे। बहुत समय के पश्चात हनुमान को क्रीड़ा का आनंद मिल रहा है, आनंद लेने दो उसे। अरे युवराज शशक के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। चलो अपना कार्य करते हैं। हाँ, चलो चलो। अच्छा, हनुमान से चतुराई। रुक जाओ मित्र। अच्छा, बहुत स्फूर्ति है ना तुम में, किंतु हनुमान की स्फूर्ति से अभी तुम्हारा परिचय नहीं हुआ है। रुको, रुक जाओ। स्वामी, ये क्या हो गया है मेरे हनुमान? सूर्यदेव को लील लेने वाला हनुमान, वायुदेव की गति से भी तीव्र उड़ने वाला हनुमान, आज ही छोटे से शशक को नहीं पकड़ पा रहा है। चिंता मत करो प्रिय, प्रभु की लीला
प्रभु ही जाने। मित्र शशक रुक जाओ, मैं क्लांत हो रहा हूँ। मित्र शशक कहाँ हो तुम? मित्र शशक अच्छा तो तुम मुझे चुनौती दे रहे हो तो ठीक है, बहुत उछल रहे हो ना तुम, किंतु हनुमान तुम्हें एक ही उछाल में पकड़ लेगा। माते, अब तो हनुमान को ये जान लेना चाहिए कि अब वो पहले जैसा महाबली दिव्य शक्ति संपन्न हनुमान नहीं रहा, अब वो केवल एक साधारण वानर बालक है। हनुमान साधारण बालक नहीं है, अंश है वो महादेव का, और महादेव उसे निर्बल कैसे रहने देंगे? शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेंगे उसे, ताकि वो पुनः अपने कर्तव्य मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ सके। हनुमान उड़ क्यों नहीं पा रहा? शक्तिहीनता का भी अनुभव हो रहा है मुझे, क्या हुआ है हनुमान को? मुझे प्रतीत हो रहा है हनुमान मुझे भी नहीं पहचान पा रहा है। भोले बाबा चरण वंदन। भोले बाबा बाबा, हनुमान को ज्ञात था कि आप उसे इस असमंजस की स्थिति से उबारने अवश्य आएंगे। कोई नहीं बता रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ है। माँ ने कहा है मैं कुछ स्मरण करने की चेष्टा ना करूं, तो मैंने स्मरण करने की चेष्टा नहीं की, परंतु कोई तो मुझे बताए मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे शक्तिहीनता का आभास हो रहा है। पिताश्री ने भी कहा था कि अब आप ही मुझे दिशा निर्देश देंगे। भोले बाबा आप मेरी सहायता कीजिए, मुझे इस संकट से उबारिए। मेरी सहायता कीजिए भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम
हनुमान। अद्भुत दृश्य है ये, सृष्टि में जो आज तक घटित नहीं हुआ वो आज हो रहा है। त्रिलोकीनाथ आज पहली बार किसी के समक्ष अपने घुटनों पर बैठे हैं। एक पिता का अपने पुत्र के प्रति सच्चा प्रेम है ये। सौभाग्य है हमारा जो प्रभु के ऐसे दिव्य और भव्य दर्शन हो रहे हैं। भोले बाबा, मैं तो आपकी शरण में हूँ। आओ हनुमान, उस सुख से परिचित हूँ जिसमें हनुमान खोया है। देवेश्वर के वक्ष का ये दिव्य स्पर्श उनके स्नेह सागर में डुबा देता है। नारायण नारायण, माते किस विचार से आपके मुख का भाव परिवर्तित हो गया? जन्म जन्मांतर के आत्मा को तृप्त करने वाले सुख में लीन है हनुमान। अपने मूल अपने पिता प्रभु महादेव के स्नेह आलिंगन से पृथक होना रुद्रांश हनुमान के लिए अत्यधिक कठिन है। धन्य है हनुमान, सहस्त्रों वर्षों के कठोर तप के बाद भी बड़े सौभाग्य से ही ऋषियों मुनियों का प्रभु से मिलन हो पाता है। उन्हीं जगत पिता महादेव के दर्शन का पुण्य प्रसाद हनुमान को इतनी सहजता से प्राप्त हो गया। हे भोले बाबा, हे जगत पिता, हनुमान को सदैव अपने वक्ष से लगाए रखिएगा। ऐसा परम सुख और कहाँ। ताल तलैया पुष्प तरोवर धरती अंबर हिम कर दिन कर रुक रुक देखे दृश्य विहंगम शिव शिवांश का अद्भुत संगम जो देखे अचरज कर लागे शिव घुटनों पे कप के आगे हनुमत को खोया बल देने आए जग पिता संबल देने। गाथा बाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान।
था वो? वो क्या था आपके हृदय से लगकर जिसका अनुभव हुआ हनुमान को? ऐसा अनोखा अद्भुत सुख जिसका वर्णन असंभव है। आपसे तनिक दूर होते ही हनुमान ने उसे खो दिया और हनुमान का हृदय पुनः अत्यंत विचलित क्यों होने लगा? वो तुम्हारी आत्मिक शांति थी पुत्र, जिसका क्षणिक अनुभव अभी मेरे स्पर्श से तुम्हें हुआ। तुम्हें सदैव ये परम सुख प्राप्त हो। तुम्हारी व्याकुलता दूर करने तुम्हें शक्ति समर्थ बनाने आया हूं मैं। स्वयं को भूल चुके हो हनुमान, अपने आत्मबल और आत्मविश्वास से वंचित हो गए हो हनुमान, परंतु मैं तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति जागृत करना सिखाऊंगा। यदि तुम ईश्वर की ओर शुद्ध मन से देखोगे तो ईश्वर भी तुम्हें अवश्य देखेंगे।